हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी पनीर तंदूरी मायो सैंडविच की रेसिपी। देख सकते हो लुक वाइज कितना यम्मी दिख रहा है। तो चलिए बिल्कुल देरी ना करते हुए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर करें। मैंने यहाँ पर पनीर वेज मायो सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पर 3 तरह की शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है। आपके पास जो भी है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ। आप इसमें अपनी मनचाही और भी सब्जी ऐड कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। फिर 100 ग्राम को पनीर को बारीक क्यूब्स में कट कर लिया है, उसे भी ऐड कर देंगे। अब इसमें हम अपने ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले आधा छोटा चम्मच काली मिर्च डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे फ्लेवर के लिए, आधा छोटा चम्मच ओरिगैनो डालेंगे। यहाँ पे मैं पिज्ज़ा ओरिगैनो डाल रही हूँ। एक छोटा चम्मच यहाँ पे पेरी पेरी मसाला डाल रही हूँ। 2 चम्मच मैं यहाँ पे मायोनीज डाल रही हूँ, इसे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और 2 चम्मच मैं यहाँ पे तंदूरी मायोनीज डाल रही हूँ। सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अगर हमें मोइनी सब्जियों में कम लगेगा तो ऊपर से हम दोनों में से जो भी हमें पसंद हो वो ऐड कर सकते हैं, और पर अभी के लिए इतना सफिशियंट है। ये अच्छे से देखिए मिक्स हो गया है और लुक वाइज भी कितना कलरफुल और कितना यम्मी दिख रहा है। खाने में भी बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में मिलता है वैसे ही टेस्ट इसका आएगा जब आप बनाएंगे। ये फिलिंग हमारी बिल्कुल तैयार है। इस सैंडविच को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 स्लाइसेस ब्रेड ली है। यहाँ पर मैं व्हाइट वाली ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो किनारे निकाल सकते हैं। और अब इसे अच्छे से फिल कर देंगे चम्मच की हेल्प से। आप चाहें तो ब्रेड पर बटर या फिर हरी चटनी लगा सकते हैं, बट मैं डायरेक्ट ऐसे ही सर्व कर रही हूँ। इसको अच्छे से इस पे लगा देंगे, दोनों ब्रेड पे इसे मैंने अच्छे से लगा दिया है। अब आप इसे ऐसे ही सेक सकते हैं, बट मैं इसको और भी ज़्यादा टेस्टी बनाऊंगी। उसके लिए मैं यहाँ पे नॉर्मल वाली जो प्रोसेस चीज़ आती है उसकी एक स्लाइस इसके ऊपर डाल दूंगी। आप नॉर्मल ऐसे भी बेक कर सकते हैं, इसे ग्रिल कर सकते हैं। फिर ऊपर से दूसरी ब्रेड रख के इसे अच्छे से मैं सेक लूंगी। मैं यहाँ पे पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो तवा या फिर सैंडविच मेकर का भी इस्तेमाल करके इसे बना सकते हैं, पर मैं आपको ईजिली एकदम जो सभी घर में होता है उसका उपयोग करके इसको बनाना बताऊँगी और कितना बढ़िया सा ये हो जाएगा। ऊपर से थोड़ा सा बटर लगाकर दोनों सैंडविचेस को हम रख देंगे। ऊपर से भी थोड़ा सा बटर लगा देंगे और एक साइड में 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन कलर आ जाए। स्पैचुला की हेल्प से इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि जो अंदर हमने फिलिंग डाली है वो सेट हो जाए। 2 से 3 मिनट बाद इसे टर्न करके देखते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है। एक तरफ से हमारी सैंडविच पनीर मायो सैंडविच अच्छे से पक कर तैयार हो गई है। दूसरी तरफ से भी इसे टर्न कर हम कुक कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक, या फिर जब तक अच्छा सा कलर नहीं आ जाता, जब तक ब्रेड हमारी क्रिस्पी नहीं हो जाती। ये देखिए दूसरी तरफ से भी हमारी पनीर तंदूरी मायो सैंडविच बनकर तैयार हो गई है। तो लीजिए दोस्तों, ये सैंडविच हमारी पनीर मायो की तैयार हो गई है बनकर खाने के लिए। अब इसे हम कट कर लेंगे। कट करने के लिए अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली जो नाइफ़ होती है उससे भी हम कट कर सकते हैं इसको। इसे कोई भी दिक्कत नहीं होती है कट करने में। तो कैसी लगी आज की आपको मेरी रेसिपी? अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। देखिए सैंडविच अंदर से लुक वाइज कितना टेम्पटिंग दिख रही है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी हुई है ये सैंडविच। तो ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। तो कैसी लगी आज की आपको मेरी रेसिपी? अपने साथ फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ के साथ, और थैंक यू।